एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति क्लासी किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम इमली को हल्के गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब इसे हम ड्रेन कर लेते हैं। एक बर्तन में हम इसे छान लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम इस इमली के पानी को डाल देंगे। अब इस इमली के पानी में मैंने 3 कप चीनी ली है, इसे हम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ा सा थिक ना हो जाए। देखिए, हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच काला नमक और भुने जीरे का पाउडर आधा छोटा चम्मच, इन सबको मिक्स कर देंगे इसमें। और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये चटनी पक गई हुई है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो लास्ट में इसमें मैं थोड़े से खरबूजे के बीज ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी किशमिश। मिक्स कर देते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। तो बस हमारी ये चटनी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। आप अपने स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। Till then, bye-bye.